तो गाइस अभी डॉक्टर के पास जा रही है, हाथ में चोट लगी थी तो वही आपको बताना था। वहां पे जाके चोट दिखाऊंगा कि कैसे, मतलब कितनी लगी है, और फिर वहां से आके आपको बताऊंगा कि कितनी ज्यादा लग गई है। पापा लेट हो गए थे, मैं तो सो गया था, अभी उठा हूं मैं जस्ट। और अभी खाना वाना भी पापा ही खिला रहे हैं। यहाँ पे स्टिचेस आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, यहाँ से स्टेपलर वाले स्टिचेस आए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आए हैं पूरे। अब वो बाकी आपको आके बताता हूँ, अभी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो देखते हैं वो क्या बोलते हैं। जिन्होंने स्टिचेस लगाए उन्होंने बोला आप 3 दिन बाद मिलने आना, फिर आपको आगे का बताएंगे क्या कैसे करना है। अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि क्या सारी बातचीत वगैरह होती है। और अभी हम लोग जिम कॉर्बेट जाने वाले थे, जिम कॉर्बेट का प्लान हमारा पोस्टपोन हो गया है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट वेनसडे को। तो नेक्स्ट वेनसडे को हम लोग जिम कॉर्बेट जाएंगे, उसका ब्लॉग भी जल्दी आएगा। और अभी गाइस एक गुड न्यूज है, पबजी वापस आ गया है और मेरा हाथ तुरंत ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों बाद, तो पबजी की भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। मैं एक नया गेमिंग चैनल बनाने वाला हूँ पबजी का, तो उसकी भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहेगा। और अभी जब हम जिम कॉर्बेट जाएंगे उसके बाद मैं डेली जाऊंगा उसकी शॉपिंग वॉपिंग करने, जो हमारा रूम तैयार होगा गेमिंग रूम उसकी शॉपिंग करने मैं डेली जाऊंगा, तो उसके भी ब्लॉग आप देखते रहिएगा। तो अभी फटाफट चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं। मैं सोच रहा था जतीना से भी मिलता चलूं क्योंकि बहुत बोर वोर हो रहा था। और गाइस हाँ, जब मेरे चोट लगी थी तो सुल्तान ने कुछ भी, मतलब उस दिन खाना वाना नहीं खाया था, और हमारे पड़ोस में जो लोग वो गए उन्होंने बोला था कि इसके डॉग ने काट लिया। मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ, ये जो यहाँ पे मिरर था ये मैं ढंग से पकड़ भी नहीं पा रहा गाइस, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेगा। यहाँ पे मिरर था ये इस जगह पे पूरा, और बहुत मोटा मिरर था, मतलब आप समझो मेरे ये जो इतनी थिकनेस है ये था इतना मोटा मिरर, और यहाँ पे ऐसी था, और मैंने हाथ मतलब ऐसे हल्का सा ही मारा और पूरा मिरर टूट गया। और गाइस पूरा यहाँ से मेरे कट हो गया, पूरा अंदर तक कट हो गया। ये देखो शायद से आपको स्टेपलर की पिन देखे, पहली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे स्टिचेज आए हुए हैं स्टेपलर के पिन के। और ये देखो गाइस ये पूरा खून, इधर खून उधर खून। फिर आपको बाकी की स्टोरी, गाइस आपको बाकी की स्टोरी आगे बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था और इतना मतलब क्या कैसा सीन हुआ था। अभी डॉक्टर के पास चलते हैं वरना डॉक्टर उठ जाएगा। 5 बजे का टाइम दिया था, 5:30 बज गए, हम लोग लेट हो गए, तो फटाफट अभी गाइस निकलते हैं, फिर आपको वहां पे दिखाता हूं कि चोट खुल के एक्चुअल में कितनी लगी है, और फिर वहीं पे चल के गाइस आपको सारी बात बताऊंगा और कब तक मेरा हार्ट ठीक होगा, कब आपको ढंग से प्रॉपर वीडियोस देखने को मिलेंगी मेरे राइट हैंड से। अभी तो मैं जितनी बनाऊंगा मेरे लेफ्ट हैंड से ही बनाऊंगा। और चलिए गाइस वहीं पे मिलते हैं। ओके गाइस अभी अंदर आए हैं, ये है पूरा ओटी ऑपरेशन थिएटर। तो अभी इधर आके ये चोट कोट खुलेगी, अभी कंपाउंडर थे अभी डॉक्टर आएंगे तो वो देखेंगे कि क्या कैसा कितनी ज़्यादा अभी और ट्रीटमेंट होना है। ये स्टिच है, अभी रुक जाइए वो आ जाते हैं तब कर लीजिएगा, ज़्यादा वो नहीं ड्रामा, ठीक है इतना टाइम नहीं मेरे पास, तुम्हें प्लीज प्लीज सुनते रहूँ, कितना दर्द हो परेशानी हो तो बताओ। अरे काटेगी, काट रहा है, काट नहीं रहा है, अरे वो टाके छूट जाएंगे। डॉक्टर साहब दिखाया, वो आज दिखाना था, आया नहीं, पूछ लो भैया भैया भैया। क्या नाम तुम्हारा? मानस अरोरा है? मानस अरोरा। अच्छा सर, ये मानस अरोरा जी आए हैं, इनकी ड्रेसिंग कर दूँ या आप देखेंगे इनको? अरे सर ठीक है सर, ना बेटा फोटो में खींच लूँ, मैं खींच लीजिए, यहाँ पे भी है। ए यार किसी से पूछो लैब कहाँ है? नीचे भी है, नीचे भी है, इधर भी करना होगा। अच्छा अभी ड्रेसिंग वापस से हो गई है। बाकी भाई आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा लग गई, ये एक्चुअली मैंने ना कांच के ऊपर ऐसी मजाक मजाक में मुक्का मार दिया था, और वो बहुत 50 mm का ग्लास था, वो बहुत मुश्किल से मतलब टूटता ही नहीं है, वो जो आप छतों पे देखते हो जो बैरिकेडिंग लगती है जिस ग्लास की, वो ग्लास था मोटा वाला, मैंने उसमें मुक्का मारा और गाइस ये पूरा कट गया। तो इसके तो डॉक्टर ने बोला था कि फिंगर कटेगी, जहाँ से आपने देखा वो फिंगर लटक सी गई थी और थंब भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, तो उन्होंने बोला ये कट होंगे ऑपरेशन से। लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छे थे गाइस, उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करा और स्टिचेस वगैरह आए हैं ये, तो उन्होंने बोला 8-9 दिन के बाद ही स्टिचेस भी हट जाएंगे, और बाकी लेकिन हाथ पूरा प्रॉपर मूव करने में महीना लग जाएगा। तो ब्लॉग का बन रहा है ऑपरेशन थिएटर में, तो मेरे ब्लॉग बन रहे हैं। तो चलो ये पट्टी हो गई, बाकी अभी पूरी ड्रेसिंग होना बाकी है, पूरी ड्रेसिंग होते ही मैं आपसे घर पर मिलता हूँ। ये गाइस एक चीज़ और पता लगी, ये नासा एलिवेटर्स है, नासा की एलिवेशन है ये। तो गाइज अभी सुल्तान को वॉक करवाने निकल ले, पापा उसको टहलाएंगे, मैं तो टहला नहीं सकता मेरे, देखो गाइज आज जो मेरी बैंडेज है वो दोबारा से फिल कर दी गई है, और अभी ड्रेसिंग मतलब चेंज हो गई है मेरी जो हाथ की है। और आज है 3रा दिन जब से मुझे चोट लगी है, 3रे दिन डॉक्टर को दिखाने गया था, तो आज सुल्तान को गाइज हम लोग टहलाने निकले जा रहे हैं, और चोट लगते गाइज मैं बेहोश भी हो गया था जब मेरे चोट लगी थी, मतलब मुझे पता नहीं था कि इतनी ज्यादा लग गई, मैं जैसे ही बाहर जाके बैठा और मेरे को चक्कर आया और मैं बैठा, तब तक मम्मी ने बताया कि मानस की चोट लग गई है, क्योंकि अंदर ही अंदर यहाँ पे ना गाइज बहुत सारा खून फैल गया था, तो मम्मी ने पापा को बताया कि चोट
लग गई है इसके, तो पापा बाहर आए तब तक मैं फ्रिज के पास बैठ गया था और मेरा खून बहुत ज्यादा बह गया था गाइस। तो जब जैसे ही पापा आए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तब तक मैं बेहोश हो गया था और मैं 3-4 मिनट बेहोश रहा था। फिर मेरे पापा ने टेम्परेरी पट्टी वट्टी बांधी, बाइक पे बिठाया और बाइक पे गाइस मानस साथ में आ गया था, वो तो अच्छी बात है। तो मैं बीच में बैठा, पीछे मानस था, आगे पापा थे और बाइक गाइस ऐसे भगाते हुए ले गए बिल्कुल एम्बुलेंस की तरह। तो वहां पे गए, तो वहां पे गाइस सारा ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। अभी उन्होंने बोला कि 1 महीने बाद आपका हाथ थोड़ा चलने लायक हो जाएगा, मतलब अभी मैं फिंगर विंगर ये देखो थंब मूव कर पा रहा हूँ, बाकी अभी मेरे को 1 महीने का गैप मिल गया। और आज हम अथीना से भी मिलने जाएंगे और एक बहुत स्पेशल डॉग से मिलने जा रहे हैं, जो मेरा ही डॉग था और मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया था, तो आज हम उससे मिलने जा रहे हैं, उससे भी आपको मिलवाते हैं। और वो कौन सी ब्रीड है वो गाइस आप खुद बताना देख के। तो चलो गाइस चलते हैं। ये देखो भाई, ये मेरे हाथ पे पट्टी लगी है, बार बार आके देखता रहता है कि मेरे हाथ पे हो क्या गया। ये सुल्तान, ये देखो बुलाने में तुरंत आ जाता है। चलो चलो चलो, इसको देखो भाई, ये बहुत भौंकता है सुल्तान। सुल्तान, ये देखो भाई छोटू भी मिल गया सुल्तान के साथ। आजा छोटू आओ। ये देखो भाई, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ छोटू आएगा। ये देखो साथ साथ चलता है इसके, सुल्तान के दोस्त है इसका छोटू। छोटू, ये देखो भाई इसकी भी बॉडी आ गई खा खा के, डॉग फूड खा खा के। ये देखो कैसी बॉडी सी आ गई है इसकी। हाँ यो बढ़िया आ गई बॉडी, देखो भाई पूरी बॉडी आ गई है। और अभी मैं और पापा भी जिम ज्वाइन करेंगे, मेरा हाथ सही हो जाए तो जिम ज्वाइन करते हैं। पापा तो जिम ज्वाइन करेंगे, मैंने एक्सरसाइजेस वगैरह बताता रहूंगा, उसके बाद जैसे ही मेरा हाथ सही होगा मैं भी जिम ज्वाइन कर लूंगा गाइस। भाई दूसरा डॉग आ गया, छोटू चला गया उसके पास। ये देखो छोटू कैसे होकाता है। आया छोटू, नहीं काटना नहीं है उसे, इसको लेके जाओ सुल्तान को उसके पास। ये देखो भाई, अभी देखो, ये देखो छोटू पीट देगा भाई इसे। ये छोटू का एरिया है ना, ये छोटू इस एरिया में किसी को आने नहीं देता। ये देखो सुल्तान इधर जाएगा ना, छोटू पकड़ गया मुझे, गया 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 छोटू गया। छोटू का गाइस गुस्सा बहुत है, अगर कोई डॉग आ जाए दूसरा इस एरिया में तो। ये देखो भगा के आएगा पूरा उसे। चलो छोटू आओ, छोटू चलो चलो चलो, बस आ जा छोटू, नहीं आओ आओ, मुझे बहुत लड़ाई करनी है सबसे हैं। आओ, ये देखो भाई डॉन उतर के आ गया, जो कोको का फादर है, ये लड़ ना जाए। डॉन नो सुल्तान, नहीं डॉन, ये पीट देगा इसे डॉन, हटा दो डॉन। ओए कैसे खेलना चाह रहा है सुल्तान उसके साथ। ये देखो सुल्तान अभी बच्चा है ना, डॉन गाइस बहुत मैच्योर हो गया है, 5 साल का होने वाला है। चलो ऊपर जाओ डॉन, ऊपर 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 जाओ, रोड चल रही है डॉन, ऊपर घर पे जाओ, घर पे चलो सुल्तान, चलो चलो डॉन ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर जाओ, गुड बॉय ऊपर जाओ। चलो सुल्तान, देखो भाई इसे अगर बाहर निकलना है तो उसे ट्रीट जरूर चाहिए। अभी चौकोस लिए हैं इसके लिए तो वो खा रहा है। ये देखो अभी इसे गाइस ट्रीट का वो चस्का लग गया है, देखो चौकोस दे रहे हैं पापा, तो चल रहा है ये। और कोई भी अभी ये जैसे वो खाने की दुकान है ना, तो देखो गाइस वो खाने की दुकान है, अगर वो देख ली इसने, इसे पता लग गया कि वहाँ पे जा रहे हैं, तो गाइस इसे खाना चाहिए ही चाहिए, बहुत शैतान हो गया अभी। आ जाओ चले, चलो दे रहे हैं दे रहे हैं, चलो देखो अब पापा के पीछे पड़ा रहेगा कि और दो। चलो चलो सुल्तान, चलो 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 दे रहे हैं, चलो आगे चलो। वो देखो भाई छोटू साथ साथ वापस आ रहा है, घर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ छोटू को भी पट्टा डाल दूँ, जो रेडियम वाला पट्टा आता है, तो छोटू अगर रात में चलेगा ना तो कोई गाड़ी वाड़ी से ठुकेगा नहीं है, उनको पहले से ही पता लग जाएगा कि हाँ डॉग घूम रहा है। आओ सुल्तान, ये देखो ये चल ही नहीं रहा है, पापा से बार बार ट्रीट मांगे जा रहा है ये। अरे बाबू गुस्सा कर रहा है बाबू पे, इतनी देर हो गई। गाइस अथीना के यहाँ पे तो पहुंच गए हैं, ये देखो ये घर आ गया, आ गए अंकल आ गए। वो देखो अथीना, अथीना मानस से मिलने गई पहले, मेरे से मत यू क्या बैठा, क्या हो गया कड़ी अंकल पूरा। बस 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 मानस से मिलने गया, मेरे चोट लगी थी ना। बस नहीं, 3 दिन हो गए आंटी, नमस्ते आंटी। अरे कोई नहीं, नमस्ते। ओए ओए वो जो सुल्तान की खुशबू आ रही होगी, सुल्तान की खुशबू सूंघ ली। देख रही है वो गाड़ी में देख रही है, सुल्तान तो नहीं टकरा गई मैंने। बस 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 हाँ, ओए अदीना कैसे जा रही है खेलते कूदते, वो गाड़ी में देख रही है सुल्तान को, बार बार गाड़ी में देख रही है अदीना। बड़ी हो गई है। इसका कलर कितना शाइन करता है अदीना का, ऊपर तो अब वो बेचारी इतने टाइम बाद मिल रही है गाड़ी में सुल्तान को। गाइस ये ना सुल्तान को गाड़ी में ढूंढ रही है, बार बार चढ़ रही है गाड़ी के ऊपर, शीशों पे मार रही है पंजे की, सुल्तान भी होगा अंदर तो उसके साथ खेलूं। देखो अंदर चलिए, अदीना अदीना आ जाती है गेट खोल के, बाहर देख मेरे चोट लग गई है अदीना। ओए मार मार, चोट पे ही मार रही है, ओए चोट पे ही मार रही है बार बार। तो गाइस अथीना से तो मिल ली, आज मजे आ गए। अभी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाया क्योंकि अथीना बहुत ज्यादा मतलब वो कर रही थी, ओवर एक्साइटेड हो रही थी, हम लोग जा रहे थे तो अंदर वंदर करवा के आ गए हम लोग। अभी गाइस निकल चुके हैं, अब घर चलते हैं और अभी हम लोग जिम कॉर्बेट की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कैसे सारा कुछ वहाँ पे जाने का सिस्टम होना है और कैसे वहाँ पे रहेंगे हम लोग, कितने दिन का स्टे रहेगा। और हम लोग वहाँ पे गाइड से भी बात कर रहे हैं, जो गाइड्स वगैरह हैं वहाँ के, जो टूर वूर करवाते हैं कि लॉइन वगैरह गाइस दिखा दें हमें। तो चलो गाइस
अभी बाकी बात सब मैं घर पे ही चल के करता हूँ, अभी फटाफट घर चलते हैं। अभी जो है आपको एक और आगे जाके न्यूज दूंगा, हम लोग आगे जाके जो अथीना के पपीज करवाएंगे वो गाइस हम फ्री में देंगे अपने सब्सक्राइबर्स को। वो डॉग अर्जेंटिनो है, प्योर विद, पूरी सर्टिफाइड है, तो उसके पपीज होंगे तो वो भी पेपर वाले होंगे, और वो समझो अब आपको सब्सक्राइबर्स को हम फ्री में देंगे। जो हमारी खुद की टीम है, RMS टीम है हमारी पूरी, जो इतने 47,000 सब्सक्राइबर्स की टीम है, उनको हम फ्री में पपी देंगे, और वो भी डॉग अर्जेंटिनो के प्योर पपी, जैसा सुल्तान है, सुल्तान की मदर अथीना है, तो आप समझो सुल्तान की क्वालिटी के पपीज आपको फ्री में देंगे। तो गाइस ट्यून रहिएगा चैनल से। तो गाइस घर आ गए, बाकी ब्लॉग्स तो मैं इस हाथ से बना ही रहा हूँ, राइट हैंड से बनाता हूँ, वरना अब कोई दिक्कत नहीं है, इस हाथ से भी बन रहा है नॉर्मली। तो गाइस अब अगला ब्लॉग जल्दी आने वाला है, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग गाइस बहुत मस्ती करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून रहिएगा, और आपको बाकी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अभी हम लोग जिम कॉर्बेट जाने वाले हैं, फिर हम लोग जो अपना रूम रेडी करेंगे इधर, पूरा पबजी का रूम रेडी करेंगे, उसके लिए मैं स्पेशली पबजी की शर्ट्स भी लेके आऊंगा खेलने के लिए, तो वो पूरा रूम रेडी होगा, उसका अलग से पूरे ब्लॉग्स आएंगे, सीरीज आएंगी, कैसे हम धीरे धीरे करके सामान इकट्ठा करेंगे सब कुछ। और गाइस जल्दी आने वाला पबजी भी, तो उसका भी चैनल हम लोग अभी बताएंगे, अभी हम लोग नाम हम देखेंगे घर पे डिस्कस करेंगे क्या नाम रखना है, वो नाम रख के, और मेरा गेम में वैसे नाम हाइपर है तो उसी से रिलेटेड कुछ रखूंगा, बाकी देखते हैं जो नाम ज्यादा अच्छा लगा वही रखेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैं इस हाथ से बना रहा हूँ, इस हाथ से बहुत दिक्कत हो रही है, दर्द भी हो रहा है, तो गाइस प्लीज इतनी सी मेहनत के लिए हम लोग कम से कम सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत बड़ी मिशन मिलती है। चलो गाइस ठीक है, टेक केयर, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।